शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 7C न्यूज चैनल, मैं हूं जुगल किशोर। जनपद कौशाम्बी में बाल दिवस 14 नवंबर के अवसर पर खबर 7C न्यूज चैनल टीम द्वारा स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर विद्यालय में नन्हे मुन्ने बच्चों को पठन पाठन की सामग्री वितरण किया गया। बाल दिवस के अवसर पर बच्चे पठन पाठन सामग्री पाकर बहुत ही प्रसन्न हुए। खबर 7C टीम कौशाम्बी की यह अनूठी पहल खबर 7C न्यूज चैनल के प्रयागराज मंडल प्रभारी अजील श्रीवास्तव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस मौके पर खबर 7C न्यूज चैनल के ब्यूरो चीफ कौशाम्बी व समाज सेवी हिमाचल मोर मजनपुर ब्लॉक संवाददाता जगदीश सिंह लोधी राजपूत, कड़ा ब्लॉक प्रभारी शिव कुमार विश्वकर्मा, सिरातू ब्लॉक प्रभारी हरीश चंद्र मोर, शुभम मोर, कैमरामैन सिरातू, सरसमा ब्लॉक प्रभारी मिथिलेश सिंह यादव व विद्यालय के प्रधानाचार्य शिव आधारी समस्त स्टाफ सहित उपस्थित रहे। श्री अजय कुमार श्रीवास्तव ने नन्हे मुन्ने बच्चों को शिक्षा दिया, अनमोल रतन साक्षरता पर जोर देने की बात कही। समाज जागरूक हो, शिक्षित हो, तभी देश का विकास हो सकता है, समाज का विकास हो सकता है। कौशाम्बी ब्यूरो चीफ हिमांचल मौर्य ने कहा, शिक्षा अनमोल खजाना है, इसको ना कोई चुरा सकता है ना ही कोई बांट सकता है, इसलिए हमें साक्षर होना अति आवश्यक है। जगदीश कुमार ने कहा, शिक्षा अंधकार को मिटाती है और हमें प्रकाश की ओर ले जाती है। हमारे बीच हमारे मंडल ब्यूरो हैं अजय श्रीवास्तव जी, ये हमारे सिरातू ब्लॉक रिपोर्टर हैं हरिश्चंद्र मौर्य जी, आप हैं शुभम मौर्य सिरातू ब्लॉक से, आप हैं मंझनपुर ब्लॉक रिपोर्टर जगदीश जी, आप भी हमारे मित्रगण हैं। हमारे चैनल का उद्देश्य है गांव की समस्या को उजागर करना। समय एक अभियान चल रहा है, विद्यालय का अभियान, गांव में जो भी विद्यालय है उनकी जो समस्याएं हैं उसको उजागर करना, विद्यालय में जाके बच्चों से समस्याओं को जानना, उसको 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज बाल दिवस है, 14 नवंबर है, हम सब आपके बीच उपस्थित हैं आप सब लोगों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। शिक्षा अंधकार को मिटाती है, शिक्षा अंधकार को मिटाती है। हम कहीं भी रहें, हमारे पास कुछ नहीं है, निर्धन है, लेकिन अगर ज्ञान है तो बहुत धनवान बन सकते हैं, समाज में सम्मान पा सकते हैं, है कि नहीं? स्वामी विवेकानंद जी थे, युवा थे, उनका जन्मदिवस युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है 12 जनवरी को। उनके अंदर क्या था? ज्ञान, शिक्षा। आप लोग जानते हो कि शिक्षा सबसे बड़ी ताकत होती है, शिक्षा से बड़ी कोई ताकत नहीं है।
आप लोग समझते हैं कि ये पेन पेंसिल यहाँ लेके आए हैं कुछ देने, हम आपको कुछ देने नहीं आए हैं। ये पेंसिल है, इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। ये पेन की जितनी ताकत है उसकी ताकत एक औजार ले लीजिए, AK-47 ले लीजिए, उसमें 147 गोलियाँ होती। चलते जाओ, बढ़ते जाओ, निकलते जाओ, इधर इधर क्लास में जाइए आप लोग। अहमियत समझो सब लोग, हमारा उद्देश्य यही है, पढ़ाई में आगे रहो।